नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VDV ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई अपडेट की और, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज की जो बिग अपडेट है वो आपके लिए है कि अगर आपका SBI बैंक में खाता है और आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपको किस किस चीज़ पर कितना कितना शुल्क जो है बैंक को देना पड़ता है, जैसे ATM कार्ड पे या नेट बैंकिंग पे, या मिनिमम बैलेंस कितना रखना ज़रूरी है। अगर आप खाते में नहीं रखते तो आपको कितना जो है फाइन लगता, कितना आपको बैंक को शुल्क देना पड़ता है चेक पर, क्या है, ये ही आपके लिए आज की जानकारी है। अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप लोगों को इन शुल्क के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस फंड के ऊपर, किस चेकबुक के ऊपर, किस ATM के ऊपर कितना हमारे को जो है भारतीय स्टेट बैंक को हमें देना पड़ता है। अगर वो लिमिट हम क्रॉस कर लेते हैं तब किस लिमिट तक हमारे को क्या क्या जरूरी है, यही हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जो कि सब ATM का संचालन करता है अपनी ब्रांच के, और अलग अलग देशों में भी इसकी ब्रांचें हैं, और ग्राहकों को सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा, लोन जैसी तमाम बैंकिंग सुविधाओं को मुहैया करता है। और अपने ग्राहक को चार्ज जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों पर हमें क्या क्या जो है चार्ज देना पड़ता है बैंक को, अगर हम लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तब। अगर अंडर लिमिट रहते हैं तो उस चीज़ के ऊपर हमारे को कोई भी चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ता, अगर हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है किसी चीज़ को उसको देना पड़ता है। तो पहले ATM का देखते हैं कि SBI जो है अपने ATM ग्राहकों को जो है 5 मुफ्त जो है लेन देन की सुविधाएँ देता है, जैसे कि आप महीने में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन आप पूरी कर लेते हो, उसके बाद आपको वित्तीय जो पैसों का लेन देन आप करवाते हो तो ₹10 प्रति जो है ट्रांजैक्शन के ऊपर देना पड़ता है। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि आपको कोई आप मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस चेक करता है, आपको ₹5 देना पड़ता है। और जब भी आपके खाते में ₹25,000 हों तो आपको जो है ये अमाउंट नहीं देना पड़ता। अन्य बैंकों में ट्रांजैक्शन के लिए मेट्रो सिटी में 3 मुफ्त और नॉन मेट्रो में 5 लेन देन सुविधा मुफ्त है। फ्री ट्रांजैक्शन के बाद ₹20 प्रति वित्तीय लेन देन और ₹8 प्रति नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो चार्ज देना पड़ता है। अगर आपके बैंक में पिछले महीने ₹25,000 जमा है तो आपको ATM के जो, अगर आप लिमिट भी क्रॉस कर लेते हैं तो भी आपको कोई जो है लेन देन चार्ज नहीं देना पड़ता, आपका जो ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। चेकबुक के ऊपर भी दोस्तों यही है कि चेकबुक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक जिन ग्राहकों को अकाउंट में त्रैमासिक औसत बैलेंस जो है ₹1,00,000 से अधिक होता है, उन्हें वो 25 चेक मुफ्त में देता है। उसके बाद 10, 25 और 50 चेक के ऊपर ₹30, ₹75 और ₹150 चार्ज लगता है, जो कि ग्राहक को 25 चेक के बाद देना पड़ता है। अगर 10 लेगा तो ₹30, 25 के ऊपर ₹75, 50 के ऊपर ₹150 उसको देना पड़ता है। जिन ग्राहकों के अकाउंट में त्रैमासिक बैलेंस जो है ₹1,00,000 से अधिक हो रहता है, या जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो चेक उनको जो है मुफ्त में मिलती है। और वहीं आपातकालीन स्थिति में अगर चेक बुक खत्म हो जाती है, उसके लिए अप्लाई करता है वरिष्ठ नागरिक जहाँ जिनकी 1,00,000 से ज़्यादा इनकम है फिक्स्ड डिपॉजिट इसमें खाते में, तो उनको 10 चेक वाली बुक के लिए ₹50 जो है चार्ज देना पड़ता है बैंक को। तो 10 चेक के लिए ₹50, और NEFT और RGST की चार्ज भी मोबाइल बैंकिंग में नेट बैंकिंग के जरिए NEFT ट्रांजेक्शन के लिए ₹1,000 पर ₹1, ₹10,000 पर ₹2 और 1 से 2 लाख रुपये पर 3 और 2 लाख पर ₹5 चार्ज दो बैंक को देना पड़ता है। नेट बैंकिंग के जरिए RGST ट्रांजेक्शन के लिए 2 से 5 लाख यानी कि ₹5 देने पड़ते हैं, और 5 लाख से अधिक के लिए ₹10 आपको बैंक को देना पड़ता है चार्ज। न्यूनतम बैलेंस देखिए, मेट्रो सिटी में आपको ₹5,000 मिनिमम बैलेंस जो है एक महीने में खाते में रखना जरूरी है। अगर 50% से कम हो तो ₹50 प्रति मास, 75 और 50 के बीच में कम हो तो ₹75 और 75 से भी
कम रह जाता है तो आपको 100 रुपया जो है प्रति माह बैंक को चार्ज देना पड़ेगा, कम से कम जो न्यूनतम बैलेंस रखने के ऊपर। अगर आप 5 हज़ार रुपया नहीं रखते हैं मेट्रो सिटी में तब जाके, और अगर आप जो है अर्बन ब्रांच में 3 हज़ार रुपये से कम रखते हैं और 50 फीसद यदि आपका हो जाता है तो 40 रुपये आपको कम प्रति जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा। 50 से 75 के बीच में अगर कम हो जाता है 3 हज़ार रुपये से तो 60 रुपया, और 3 हज़ार से अगर 75% जो है कम हो जाता है तो आपको जो 80 रुपये प्रति माह चार्ज दो वो बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि आपको 3 हज़ार रुपये अर्बन ब्रांच में रखने जरूरी हैं एक माह के लिए अपने बैंक के खाते में, और सेमी अर्बन ब्रांच में है न्यूनतम 2 हज़ार रुपये मासिक बैलेंस से अगर 50 फीसदी आपका कम हुआ तो 25 रुपया, और 50 से 75 फीसदी कम हुआ तो 50 रुपया, और 75% से अगर ऊपर आपने 2 हज़ार में से कम कर दिए तो आपको 75 रुपया प्रति माह जो चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए आपको सेमी अर्बन ब्रांच में जो है 2 हज़ार रुपये एक महीने की मिनिमम अमाउंट जो है रखनी वो जरूरी है, कि कम से कम आपको 2 हज़ार रखना है। और सेमी अर्बन ब्रांच में न्यूनतम 1 हज़ार रुपया, और आगे 1 हज़ार में से 50 हज़ार उड़ जा 50% उड़ जाता है तो 20 रुपया प्रतिमा, और 50 और 75% आप उसमें से कम कर देते हो 30 रुपया, और 75% से ऊपर अगर कम हो जाता है 1 हज़ार से तो 50 रुपया प्रति माह आपको चार्ज देना पड़ेगा। इन सभी चें जो कटौतियों में इन सभी जो है चार्ज में GST अलग से जोड़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपको खाते में जो है सेमी अर्बन में 1 हज़ार रुपया रखना जरूरी है। ये थी आज की जानकारी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी, कि आप अगर आपका खाता SBI में है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे हमारे को कितना कितना चार्ज जो है वो देना पड़ता है, और कौन कौन सी फैसिलिटी का हम बिना चार्ज दिए जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।